नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र आज फिर आपके साथ में हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल देवेंद्र सर में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और इसी के साथ अपने जो न्यू टॉपिक है, आज हम जो नया जिला पढ़ने वाले हैं वो विदिशा है, उसको लेकर हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी हम लोगों से कुछ एक पिछले वीडियो में मिस्टेक हो गई थी, मैं उसको करेक्शन कर देता हूँ। जो गिन्नौरगढ़ का किला है वो गोंड शासकों से संबंधित है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको अवंतीबाई के बारे में थोड़ा सा बता दिया था, तो अवंतीबाई का वहाँ पर नहीं है, गोंड शासकों का वहाँ पर संबंध रहा है, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं विदिशा के बारे में। विदिशा वो प्लेस है जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सम्राट अशोक है, यहाँ पर शुंग शासक हैं, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे सर, ठीक है ना। चलिए तो हम विदिशा को समझते हैं, हाँ हम विदिशा को पढ़ें। उससे पहले विदिशा को जरा समझ लेते हैं कि विदिशा को पहले क्या क्या और कहते थे। तो सर सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है दशार्ण, ठीक है ना, दशार्ण, ठीक है ना। बुक्स में ये प्रमाण मिलते हैं कि विदिशा को पहले दशार्ण भी कहा जाता था, ठीक है ना, बेसनगर कहा जाता था, बेसनगर कहा जाता था, ठीक है ना। ये सारे के सारे जो नाम मैं आपको बता रहा हूं ये विदिशा के हैं, ठीक है ना। और क्या कहा जाता था? भैलसा या भिलसा इसी को बोला जाता है, भैलसा या भिलसा इसी को बोला जाता है। तो ये जो कुछ मैं आपको सब कुछ बता रहा हूं ये विदिशा के प्राचीन नाम है, या फिर आप बोल सकते हो अन्य नाम है, ठीक है ना। एक और जो इम्पोर्टेंट है वो है महामलिस्तान। ये सारे के सारे विदिशा के प्राचीन नाम है, ठीक है ना, क्लियर। तो क्या क्या हो गया? दशार्ण हो गया, भैलसा हो गया, भिलसा हो गया, महामलिस्तान हो गया, दशार्ण हो गया, ठीक है ना। और आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है? बेसनगर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये सारे के सारे विदिशा के प्राचीन नाम रहे हैं, ठीक है ना। विदिशा से जो दो इम्पोर्टेंट रिवर निकलती है, दो इम्पोर्टेंट रिवर कौन कौन सी है? अगर मैं यहाँ से रिवर की अगर आप लोगों से बात करूं तो यहाँ से दो इम्पोर्टेंट रिवर है, कौन कौन सी? बेतवा और हलाली, ठीक है ना, बेतवा रिवर और हलाली रिवर, यहाँ पर दो नदियां निकलती है। कहां से? विदिशा से, ठीक है ना। यह विदिशा ऐतिहासिक दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ की आपको थोड़ी सी प्रशासनिक इकाई बता देता हूँ, यहाँ की तहसीलों के बारे में समझा देता हूँ, ठीक है ना। वो पढ़ते हैं अपन पहले, उसके बाद अपन इसका ऐतिहासिक परिदृश्य भी देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर जो तहसील दिखाई दे रही है आपको वो है कुरवई तहसील। उसके बाद आपको दिखाई दे रही होगी सिरोंज तहसील, ठीक है ना, कौन सी? सिरोंज। उसके बाद लटेरी, ठीक है ना। लटेरी के बारे में ये एक फैक्ट है, ये ताला उद्योग के लिए फेमस है, कौन से उद्योग के लिए? ताला उद्योग के लिए फेमस है लटेरी, ठीक है ना। उसके बाद में शमशाबाद, नटेरन, विदिशा खुद एक तहसील है, ठीक है ना, गुलाबगंज, ग्यारसपुर, त्योंदा, बासोदा और पठारी, है ना। ये कुछ तहसील है किसकी? विदिशा की। प्रशासनिक दृष्टि से विदिशा जिले को इतने भागों में या इतने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। तो ये हमने क्या देखा, यहाँ की तहसीलों को देख लिया और यहाँ की रिवर को देख लिया और क्या प्राचीन नाम है वो हमने समझ लिया, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर ऐतिहासिक दृष्टि से बात करूं तो शुंगवंश है ना, कौन? शुंगवंश बोले तो पुष्यमित्र शुंग और पुष्यमित्र शुंग अग्निमित्र, इन लोगों ने भी यहाँ पर शासन किया है, ठीक है ना, इन लोगों ने भी यहाँ पर शासन किया है। चलिए, और इसी के एक शासक भागभद्र हुआ करते थे, भागभद्र शुंगवंश के ही एक शासक हुआ करते थे। उन्हीं के समय में एक व्यक्ति आया जिसका नाम था हेलियोडोरस। हेलियोडोरस विदिशा में आया और विदिशा में आकर हेलियोडोरस ने क्या किया? हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। किसकी? गरुड़ स्तंभ, ठीक है ना। ये वैष्णव धर्म से रिलेटेड एक स्तंभ हेलियोडोरस ने यहाँ के धर्म से प्रभावित होकर विदिशा में भागभद्र के समय में ये स्तंभ इसकी स्थापना की, ठीक है ना। अच्छा, ये जो गरुड़ स्तंभ है, ये खाम बाबा के नाम से भी फेमस है, ठीक है ना, खाम बाबा,
ठीक है। तो ये कुछ और बातें अपन करेंगे, हालांकि अभी आप ये समझते चलिए कि मैं आपको बताया क्या हूं। अभी मैंने अभी आपको बताया विदिशा, विदिशा के प्राचीन नाम, विदिशा के प्रशासनिक इकाई, तहसील, ठीक है ना। उसके बाद में मैंने यहाँ पर रिवर बताई आपको, और यहाँ का कुछ ऐतिहासिक परिदृश्य अपन लोगों ने शुरू किया है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात मैं बोलूँ कि जो नॉर्मल इसके गठन की बात करते हैं, तो इसका गठन तो 1956 में ही हुआ है, ठीक है ना। इसका गठन कब हुआ है? 1956 में हुआ है, ठीक है ना। इसका जो नाम विदिशा रखा है, इसका नाम विदिशा 1952 में हमारे देश के प्रथम जो राष्ट्रपति थे, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इसका नाम क्या रखा था? विदिशा रखा था, ठीक है ना। आज जो प्रचलित नाम है ना विदिशा, वो किसने रखा था? देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि ये जो पुष्यमित्र सुंग है, ये पुष्यमित्र सुंग है, इन्होंने विदिशा को अपनी राजधानी भी बनाया था, और यहीं पर इसी को राजधानी बनाते हुए पुष्यमित्र सुंग ने जो सांची स्तूप है, सांची स्तूप कहाँ पर है? रायसेन में। तो आपने कभी सांची स्तूप का अगर डायग्राम देखा होगा, तो उसके ऊपर कुछ ऐसी रेलिंग लगी है चारों तरफ। उस रेलिंग का निर्माण किसने करवाया था? पुष्यमित्र सुंग ने करवाया था। किसने करवाया था? पुष्यमित्र सुंग ने करवाया था, ठीक है ना। तो यहां तक कि अगर आप लोगों को बात समझ में आ, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने इसके प्राचीन नाम देखे, गठन कब हुआ वो देखा, 1952 में राजेंद्र प्रसाद ने नाम विदिशा रखा, कुछ प्राचीन नाम है, कुछ इसकी तहसील है, नदियां हैं, है ना, नदियां के शासक किन किन वंश ने यहाँ पर शासन किया है, ठीक है ना। तो इसके आगे अगर अपन चलें तो आगे देखते हैं हम लोग, आगे देख रहे हैं, यहाँ उदयगिरी की गुफाएं हैं। क्या है यहाँ पर विदिशा में? उदयगिरी की गुफाएं हैं। ये गुप्तकालीन है, कब की है ये? गुप्तकालीन गुफाएं हैं। कौन से काल की बनी हुई है? गुप्तकालीन गुफाएं हैं। इन गुफाओं की जो कुल संख्या है वो कितनी है? 20 है। इन गुफाओं की कुल संख्या 20 है, ठीक है ना, जिसमें गुफा नंबर 1 और गुफा नंबर 20 ये दोनों ही किससे रिलेटेड है? ये दोनों ही जैन धर्म से संबंधित है, और जो बची हुई है वो किससे है? हिंदू धर्म से संबंधित है। क्लियर? यहां तक अगर आप लोगों को बात समझ में आ रही हो तो अपन आगे देखते हैं, ठीक है ना। यही इसी उदयगिरी की गुफा में वीरसेन साव का अभिलेख प्राप्त है। वीरसेन साव अभिलेख भी यहीं से मिला हुआ है, ठीक है ना। तो ये रहा उदयगिरी। उदयगिरी में कुल कितनी संख्या है उदयगिरी की गुफाओं की? 20 संख्या है। कौन से काल की बनी हुई है? तो गुप्त काल की बनी हुई है। गुफा नंबर 1 और 20 जैन धर्म से संबंधित है, और जो बाकी बस्ती है वो सारे के सारे हिंदू धर्म से संबंधित है। यहाँ पर वीरसेन साव का अभिलेख स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। सिमुक कौन है? सिमुक जो है वो सातवाहन वंश का संस्थापक है। सातवाहन वंश का संस्थापक है। इसने सातवाहन वंश की जो स्थापना की वो कब की? तो विदिशा में कण्व नामक शासक का एक शासक हुआ करता था, विदिशा का कण्व, उसको पराजित करके या उसको हरा कर सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की है, ठीक है ना। सातवाहन शासकों के बारे में कहा जाता है, सबसे पहले जो शीशे के सिक्के चलाने का काम किसने किया है? सातवाहन शासकों ने किया है। ब्राह्मणों को भूमि दान का सबसे पहला काम भी सिमुक या फिर सातवाहन शासकों ने ही किया है, ठीक है ना। आगे बात समझ में? तो ये हो गए सातवाहन शासकों के बारे में। आगे देखें हम कुषाण वंश, जो कुषाण शासक हैं उनके सिक्के मिले हैं विदिशा से। कहां से मिले हैं? सिक्के मिले हैं विदिशा से। और कुषाण शासकों में भी कुजुल कडफिसेस नामक शासक के सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? विदिशा से प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। यहीं पर आपको सत्कर्णी के सिक्के भी दिखाई देंगे, है ना। सत्कर्णी के सिक्के भी यहाँ से आपको दिखाई देंगे, जो कि सातवाहन वंश का एक शासक था, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर कुछ परियोजना जिनमें हलाली परियोजना किस नदी के किनारे ऊपर बनी हुई है? तो हलाली नदी के किनारे बनी हुई है, ठीक है ना। रहटी
देखिए रेहटी से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि रेहटी एक तहसील सीहोर जिले की है, लेकिन अभी अपन विदिशा की बात कर रहे हैं। विदिशा में भी एक रेहटी परियोजना है, ठीक है ना। रेहटी परियोजना कहाँ पर मिलेगी आपको? विदिशा में मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे देखें हम, बरघल बांध, कालिदास बांध और मकोड़िया बांध, ये भी कहाँ पर मिलेंगे आपको? विदिशा में मिलेंगे। कौन कौन? बरघल, कालिदास और मकोड़िया बांध, ठीक है ना। चलिए आगे देखें हम, डीजल इंजन कारखाना, कौन सा? डीजल इंजन कारखाना कब स्थापित हुआ? 2015 में, है ना। डीजल इंजन कारखाना कब स्थापित हुआ? 2015 में। कहाँ स्थापित हुआ? विदिशा में स्थापित हुआ, ठीक है। चलिए अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना 2018 कहाँ पर हुई बेटा? विदिशा में हुई, ठीक है ना। चलिए आगे देखें हम, मेटल वर्क्स उद्योग, मेटल वर्क्स बोले तो जो तार और कील वगैरह बनती है ना, तार कील इनके जो उद्योग है वो कहाँ है? विदिशा में है। कहाँ है? विदिशा में है, ठीक है ना, विदिशा में है, ठीक है। और हाँ, एक फैक्ट और है विदिशा के बारे में कि सबसे ज्यादा जो मध्य प्रदेश में चना उत्पादित जिला है वो कौन सा है? विदिशा है। चना उत्पादित जिला कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? विदिशा को कहा जाता है, ठीक है ना, विदिशा को कहा जाता है। अब यहाँ पर कुछ मंदिर हैं उनका अपन डिस्कस कर लेते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, आगे अगर आप देखेंगे तो माला देवी जैन मंदिर, अटकम्बा चोखम्बा महल, वस्त्र मठ, बौद्ध स्तूप, मानसरोवर ताल, हिंडोला तोरण, हिंडोला महल नहीं है ये, है ना, हिंडोला तोरण है, और बाजरा मठ मंदिर, ये सबके सब कहाँ पर है? ये सबके सब ग्यारसपुर तहसील, ग्यारसपुर तहसील विदिशा में है, ठीक है ना, ग्यारसपुर तहसील विदिशा में है, ठीक है ना। कौन कौन? माला देवी जैन मंदिर, अटकम्बा चोखम्बा, वस्त्र मठ, बौद्ध स्तूप, मानसरोवर ताल, हिंडोला तोरण, बाजरा मठ मंदिर, ठीक है ना। आगे हम देखें, लोहांगी मंदिर, बीजा मंडल मंदिर, विदिशा किला, इस विदिशा के किले को ही कुरवई का किला भी कहते हैं, कुरवई का किला भी कहते हैं, ठीक है ना। आगे हम देखें, भादिलपुर जैन मंदिर, गाडरमल मंदिर, ये सभी के सभी विदिशा तहसील में है। कहाँ पर है? विदिशा तहसील में है, ठीक है ना। कौन कौन? लोहांगी मंदिर, बीजा मंडल मंदिर, विदिशा किला या कुरवई का किला, भादिलपुर जैन मंदिर, गाडरमल मंदिर, ठीक है ना। यहाँ तक की अगर आप लोगों को बात समझ में आई तो आगे चलते हैं अपन, ठीक है। चलिए नीलकंठेश्वर मंदिर गंजवासोदा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नीलकंठेश्वर मंदिर गंजवासोदा में स्थित है। शीतला शक्ति धाम, कौन सा? शीतला शक्ति धाम बासोदा में स्थित है, ठीक है ना। नौलखा मंदिर भी कहाँ पर स्थित है? बासोदा में स्थित है। कौन सा? नौलखा मंदिर। सात खानी हवेली कहाँ पर? विदिशा में स्थित है। विदिशा के एक ग्राम, छोटे से ग्राम, मरखेड़ा गांव में स्थित है। वही राव जी की हवेली भी है, वही क्या है? राव जी की हवेली भी है, लेकिन राव जी की हवेली कहाँ पर आ जाती है? सिरोंज में आ जाती है। कहाँ पर आ जाती है? सिरोंज में आ जाती है, ठीक है ना। आगे देखें, मौली जी की पहाड़ी विदिशा में है, मौली जी की पहाड़ी, बीजा मंडल मस्जिद। ये कुछ जो फैक्ट हैं वो फैक्ट मैंने आपको लिख दिए हैं, इन फैक्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे तरीके से। तो ये सारे के सारे कहाँ पर स्थित है? विदिशा में है, ठीक है ना। ये पूरे के पूरे कहाँ पर स्थित है? विदिशा या विदिशा की किसी तहसील में स्थित है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखिएगा, बड़ोह ताल, ठीक है ना, एक छोटा तालाब है जिसका क्या नाम है? बड़ोह ताल है। ये कौन सी तहसील में है? ये पठारी तहसील में है। अभी तहसील मैंने बताई थी ना, तो पठारी तहसील में। गिरधारी मंदिर, पुष्पा मंदिर, दशावतार मंदिर, मंद गंध स्थान, ये एक दूधिया रोशनी जैसे पानी का एक कुंड है, उसको बोला जा रहा है मंद गंध स्थान, ठीक है ना। तो अगर आपने ये सारे के सारे फैक्ट देखे हैं, तो ये सारे के सारे फैक्ट कहाँ पर स्थित हैं? ये सारे के सारे फैक्ट विदिशा में स्थित है, ठीक है ना, विदिशा में स्थित है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और आगे देखते हैं अब हम लोग यहाँ से, विदिशा से एक बहुत ही फेमस व्यक्ति है जिनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। कौन? कैलाश सत्यार्थी। 2014 में
2014 में इनको नोबेल पीस पुरस्कार मिल चुका है मलाला यूसुफजई के साथ में, ठीक है ना। बच्चों को बचाने के लिए आंदोलन चलाते हैं और उसी के लिए फेमस होने कैलाश सत्यार्थी, जो कि कहां से संबंधित है, जो कि विदिशा से संबंधित है, ठीक है ना। विदिशा जो है वो हाथी दांत उद्योग के लिए, हाथी दांत के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके लिए हाथी दांत के लिए भी प्रसिद्ध है कौन, विदिशा। वनस्पति से घी बनाने के लिए, वनस्पति घी उद्योग के लिए भी विदिशा प्रसिद्ध है। कौन है, विदिशा प्रसिद्ध है, ठीक है ना। आगे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक कृषि विद्यालय भी है, यहाँ पर एक कृषि विद्यालय भी है, आपको देखने को मिल जाएगा कृषि विद्यालय, ठीक है। चलिए, तो और कुछ फैक्ट के अगर होंगे तो हम जरूर आपके साथ में शेयर करेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, आगे की और कुछ पार्ट्स के लिए आप वेटेड रहिए, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, इससे हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है और जल्दी जल्दी वीडियो बनाने के लिए हम प्रेरित होते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।